हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में, में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जहाँ इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म है। फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटक अधिकार की विक्रेती लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पहले वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र, प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांका सिद्धार्थ नूनी वे और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट तिरासी टाइम टाइम्स के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में, में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म के आधिकारिक तौर पर मई 2023 में, में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण ए जी एस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गा गाँधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी ए एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को पाँच सितंबर 2024 को एक सौ तिरासी मिनटकरण टाइम्स के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से 400 करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहां की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति सिक्सटी के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नज़र आएंगे इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह, वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नज़र आएंगे जैसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह, वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवभव योगी बाबू प्रेमी गी अमरे अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांका सिद्धार्थ नूनी वे और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमरे अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांका सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम्स के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जहाँ इसमें उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म को फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विक्रेती लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से प वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र, प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में स्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण ए जी एस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गा, का गाँधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया जिस फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी ए एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को पाँच सितंबर 2024 को एक सौ तिरासी मिनटकरण टाइम्स के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहां की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति सिक्सटी के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नज़र आएंगे इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से प पह, वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमरे अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में, में बनाया गया था जहां की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में, में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जैसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म है। को फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिगृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र, प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे YouTube चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण ए जी एस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म की उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो इसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जहाँ इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म को, फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विक्रेती लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पहले वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिगृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र, प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी ए एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहाँ फिल्म का को पाँच सितंबर 2024 को एक मिनट के मिनट करण टाइम्स के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में, में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की के आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति सिक्सटी के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नज़र आएंगे जैसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह, वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी, अमरे, अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व वे लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहाँ फिल्म का को पाँच सितंबर 2024 को एक सौ तिरासी मिनटकरण टाइम्स के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में, में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति सिक्सटी के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नज़र आएंगे इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी वे और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो इसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जहाँ इसमें पहली उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म है। फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और के अधिकार की विक्रेती लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पहले वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र, प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गा गाधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व वे लेखन वेंकटा प्रभु ने किया ज फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी ए एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहां की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति सिक्सटी के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जैसमें पहली उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमरे अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांका सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में, में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में, में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जैसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म को, फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह, वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिगृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गा गाँधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी वे और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म की उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में बनाया गया था जहां की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में, में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जैसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म को, फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पहले वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिगृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे YouTube चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म की उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहां की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जहाँ इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म है। को फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पहले वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिगृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र, प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण ए जी एस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर और अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति प्रवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व वे लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहाँ फिल्म का को पाँच सितंबर 2024 को एक मिनट के मिनट टाइम टाइम्स के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में, में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति सिक्सटी के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमरे अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी वे और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम्स के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 सौ से चार सौ करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जहाँ इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म को, फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विक्रेती लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पहले वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 सौ से चार सौ करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म के आधिकारिक तौर पर मई 2023 में, में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो इसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जैसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म है। फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पहले वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र, प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे YouTube चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांका सिद्धार्थ नूनी वे और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म के आधिकारिक तौर पर मई 2023 में, में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से प पह वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में, में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो इसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जहाँ इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म है। को, फिल्म कुछ भारतीय व्यापार स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह, वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म की उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में, में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जहाँ इसमें उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म को, फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकी अधिकार की विक्रेती लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पहले वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी, अमरे, अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहाँ फिल्म का को पाँच सितंबर 2024 को एक मिनट के मिनट करण टाइम्स के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में, में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति सिक्सटी के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नज़र आएंगे इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में, में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक के आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थाई शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जहाँ इसमें पहली उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म है। फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और के अधिकार की विक्रेती लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पहले वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र, प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण ए जी एस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गा, का गाधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांका सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 सौ से चार सौ करोड़ का बजट में, में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म के आधिकारिक तौर पर मई 2023 में, में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो इसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जैसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म है। को फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विक्रेती लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पहले वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो so, 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी ए एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक सौ तिरासी मिनटकरण टाइम्स के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में स्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जैसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से प पह, वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिगृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में बनाया गया था जहां की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में, में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जैसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म को, फिल्म कुछ भारतीय व्यापार स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह, वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिगृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे YouTube चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेश राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी ए एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहाँ फिल्म का को पाँच सितंबर 2024 को एक मिनट के मिनट करण टाइम्स के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में, में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति सिक्सटी के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जिसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां ये स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गा, गादी गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहाँ फिल्म का को पाँच सितंबर 2024 को एक मिनट के मिनट करण टाइम्स के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में, में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति सिक्सटी के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नज़र आएंगे इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में, में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में, में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो इसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जिसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म है। फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटक अधिकार की विक्रेती लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पहले वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो so, 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण ए जी एस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व वे लेखन वेंकटा प्रभु ने किया ज फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी ए एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहां की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति सिक्सटी के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जिसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह, वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे YouTube चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांका सिद्धार्थ नूनी वे और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक सौ तिरासी मिनटकरण टाइम्स के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म के आधिकारिक तौर पर मई 2023 में, में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो इसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जैसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विक्रेती लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह, वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र, प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे YouTube चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण ए जी एस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गा गाँधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म की उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में, में बनाया गया था जहां की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में, में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जैसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म है। को फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिगृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र, प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे YouTube चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण ए जी एस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमरे अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहाँ फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में, में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की के आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति सिक्सटी के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो इसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जैसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म की उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम्स के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में, में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी वे और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म के आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो इसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जैसे पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म है। फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विक्रेती लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पहले वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र, प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण ए जी एस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति प्रवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गा का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया ज फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के मिनट टाइम टाइम्स के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहां की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति सिक्सटी के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीतिक परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी वे और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में, में बनाया गया था जहां की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म के आधिकारिक तौर पर मई 2023 में, में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो इसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जैसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म है। फिल्म कुछ भारतीय व्यापार स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और के अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पहले वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र, प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण ए जी एस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमरे अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी ए एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को पाँच सितंबर 2024 को एक मिनट तिरासी मिनटकरण टाइम्स के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से 400 करोड़ का बजट में, में बनाया गया था जहां की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 446 करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति सिक्सटी के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नज़र आएंगे इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकी अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पह, वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिकृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटके नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मूवी के बारे में तो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन वेंकटा प्रभु ने किया और इसका निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट ने किया था फिल्म में विजय वे विजय ने प्रशांत प्रभुदेव मोहन जयराम स्नेहा लैला अजमल अमीर मीनाक्षी चौधरी पार्वती नायर अवैभव योगी बाबू प्रेमी गी अमर अमरेन और योगेंद्र के साथ दो भूमिकाओं में दिखाई देंगे जहां यह स्टूडियो की पचासवीं प्रोडक्शन और राजनीति परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है फिल्म में आतंकवाद विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो कि अपने दे, दे, दस्ते के सदस्यों को साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो कि उनके पिछले कार्यों से उपाजी थी फिल्म के निर्देशन व लेखन वेंकटा प्रभु ने किया फिल्म की मुख्य अभिनेताओं में हमें विजय प्रभु देवा प्रशांत अजमल अमीर मोहन और स्नेहा जैसे कई कलाकार दिखाई देंगे वहीं फिल्म का छायांकन सिद्धार्थ नूनी और संपादन वेंकटेशा राजे ने और संगीत युवा शंकर राजा ने रचित किया था और फिल्म के उत्पादन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट मानी जा रही है जहां फिल्म का को 5 सितंबर 2024 को एक मिनट के रन टाइम के साथ तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया गया था वहीं फिल्म का बजट 300 से चार सौ करोड़ का बजट में में बनाया गया था जहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ तक हुई थी फिल्म की आधिकारिक तौर पर मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलापति 68 के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म मानी जा रही थी और फिल्म आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जो जून 2024 तक पूरी कर ली गई थी बात करें फिल्म के कलाकार व उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की तो उसमें विजय दो भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जहाँ इसमें पहले उन भूमिका उनकी एक गांधी के रूप में होगी और दूसरी भूमिका उनके पुत्र के रूप उनके पुत्र के रूप में होगी जो कि बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है जहाँ प्रशांत हमें सुनील त्यागराजन के रूप में दिखाई देंगे वहीं कल्याणी सुंदरम के रूप में हमें प्रभुदेवा दिखाई देने वाले हैं और कई कलाकार अपने मुख्य किरदार को निभाते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं फिल्म है। को फिल्म कुछ भारतीय व्यापार और स्रोतों के अनुसार द ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स सेटेलाइट डिजिटल संगीत और नाटकीय अधिकार की विकृति लगभग सात चार सौ पच्चीस करोड़ में हुई थी जो कि प्री रिलीज वसूली हासिल करने से पहले वाली पहली तमिल फिल्म बनने के लिए तैयार हो गई जिसने लियो को भी पछाड़ दिया और कथित तौर पर चार करोड़ हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिगृत किए गए थे और वेंकटा प्रभु ने फिल्म के प्र, प्रचार के दौरान कहा था कि निर्देशन का काटा जिसमें लगभग 20 मिनट में हटा दिए गए थे दृश्य को नेटफ्लिक्स पर नाटक नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं आपको मूवी के रिव्यू फैक्ट्स अपडेट्स की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक